हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिव्य धन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के आईपीओ के बारे में सो so, इस कंपनी का आईपीओ आ चुका है और हमने इस वीडियो में इस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस किया है तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सो इट इज़ अ हायर स्टॉक दिस स्टॉक विल ट्रेड विद अ लॉट साइज ऑफ टू शेयर्स इन द एस सेगमेंट मिनिमम क्वांटिटी है 2000 शेयर्स का और प्राइस रेंज है फ्रॉम सिक्सटी रुपीज़ टू सिक्सटी फोर रुपीज़ सो अगर हम एक लॉट खरीदते हैं एट द प्राइस ऑफ रुपीज़ सिक्सटी तो उसका जो अमाउंट होता है वो होता है एक लाख बीस हज़ार रुपए सो अगर आपको इस आई में निवेश करना है तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा एक लाख बीस हज़ार रुपए इन्वेस्टर टाइप है इंडिविजुअल इन्वेस्टर इशू साइज ऑफ़ थर्टी सेवन लैक्स सेवेंटी सिक्स थाउजेंड शेयर्स लॉट साइज ऑफ टू थाउजेंड शेयर्स ऑफर स्टार्ट होता है ऑन ट्वेंटी सिक्स 2024, टू ट्वेंटी फोर ऑफ़र एंड होता है ऑन थर्टीथ सितंबर टू थाउज़ेंड ट्वेंटी फोर होता है ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर रिफ़ंड इनिशिएट होता है ऑन थर्ड अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्रांसफर होता है ऑन थर्ड अक्टूबर टू थाउज़ेंड ट्वेंटी फोर लिस्टिंग होता है ऑन फोर्थ अक्टूबर टू ट्वेंटी फोर और मैंडेट एंड होता है ऑन फिफ्टीथ अक्टूबर टू थाउज़ेंड ट्वेंटी फोर तो ये है दिव्यधन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आर यानी कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हैं इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है इन मुंबई महाराष्ट्र नेम ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी भी मैंशन है तो इस रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जैसे कि इस स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है दस सो इस आर में आपको पढ़ने को मिलेगा risk फैक्टर्स अबाउट the कंपनी financial information लीगल एंड अदर information issue information मेन प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मच मोर सो एक बार इस रेयरिंग प्रस्पेक्टस को जरूर पढ़ लीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आई पी ओ ये आपको एन एस ए के वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा तो यह है कंपनी का जी आई डी यानी कि जनरल इन्फॉमेशन डॉक्यूमेंट सो so, इस जी आई डी में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो भी इन शॉर्ट फॉर ऑफ़र प्रोसीजर अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या होने वाला है इंटरेस्ट एंड रिफंड क्या प्रोसीजर है अप्लाइंग इन द ऑफर तो ये सारी जानकारी आपको जी में पढ़ने को मिलेगी सो so, एक बार इस जी को जरूर पढ़ लीजिए ये आपको एन एस के वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा चलिए जान लेते हैं अबाउट दिव्यधन रिसाइकिलिंग इंडस्ट्रीज सो इट इज़ अ बुक बिल्ड इशू ऑफ रुपीज ट्वेंटी फोर पॉइंट वन सेवन क्रोर्स द इशू इज एंटायरली फ्रेश इशू ऑफ थर्टी सेवन पॉइंट सेवन सिक्स लैक शेयर्स तो यहाँ पर आप आई डिटेल्स भी देख लेते हैं सो टोटल इशू साइज ऑफ 3.7 मिलियन शेयर्स फ्रेश इशू है ऑफ 3.7 मिलियन शेयर्स लिस्टिंग एट एन एस सी शेयर होल्डिंग प्री इशू टेन मिलियन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का 14.3 मिलियन यहाँ पर आप आई पी ओ रिजर्वेशन भी देख सकते हो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द नेट इशू एंकर इन्वेस्टर्स की जानकारी भी देख लेते हैं एंकर लॉक इन पीरियड एंड होता है फॉर फिफ्टी परसेंट शेयर्स ऑन थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंकर लॉकिन पीरियड एंड होता है फॉर रिमेनिंग शेयर्स ऑन थर्ट एट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर आई पी ओ के टाइमलाइन हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी यहाँ पर आईपीओ लॉट साइज भी देख सकते हो आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग भी मेंशन है शेयर होल्डिंग प्री इशूज 94.06 परसेंट शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू होगा 69.24 परसेंट चलिए जान लेते हैं अबाउट दिव्यदन रीसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड सो इट मैनुफैक्चर रीसाइकल्ड पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर एंड रिसाइकल्ड पैलेट्स द कंपनी सर्टिफाइड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर मैनुफैक्चरिंग रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं अमाउंट मेंशन इज इन लैक्स एज ऑफ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इनका रेवेन्यू है फिफ्टी नाइन पॉइंट वन टू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस टू पॉइंट थ्री सेवन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं आर ओ ए इज एटीन पॉइंट फोर टू परसेंट आर ओ सी इज ट्वेंटी पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट डेट टू इक्विटी पॉइंट फोर सेवन आर ओ एन डब्ल्यू इज एटीन पॉइंट फोर टू परसेंट पी bv बी वी रेशियो एज़ फोर पॉइंट नाइन एंड पैट मार्जिन इज फोर पॉइंट टू फोर परसेंट प्री आई पी ओ पी एस है टू पॉइंट टू सिक्स रुपीज़ पोस्ट आई पी ओ वो होगा वन पॉइंट सिक्स सिक्स रुपीज़ प्री आई पी ओ पी ई रेशियो ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री फोर पोस्ट आई पी ओ वो होगा थर्टी एट पॉइंट फाइव ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू देख लेते हैं टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज एंड टू मीट आउट द इशू आई पी ओ रिव्यू मैंशन है कि यू कैन अप्लाई इन दिस आई पी ओ यू कैन डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी आई पी ओ So the company is engaged in the business of manufacturing recycled polyester staple fiber and pellets it posted almost static top lines for the last 3 fiscals but marked surge in bottom lines for fy23 and fy24 with cost control and more value added features to its products it is operating in the highly competitive and fragmented segment based on fy24 earnings the issue appears fully priced though the issue appears fully priced it is poised for bright prospects and better times ahead इन्वेस्टर्स में पाक फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सो ये था आई पी ओ ऑफ दिस कंपनी ऐसे ही इंटरेस्टिंग आई पी ओ एनालिसिस स्टॉक्स फ्लेट्स बोनसेज एंड डिविडेंट पेयर्स की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डेय हेड